आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। सीरम इंस्टीट्यूट को परीक्षण के लिए ओमिक्रॉन के खिलाफ टीका बनाने की मिली अनुमति। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का तंज, कहा जड़ों से कट चुकी कांग्रेस ने तय कर लिया है कि 100 साल तक शासन नहीं आना। केरल में आए कोरोना के 22,524 नए केस, 860 लोगों की मौत। आगरा ग्रामीण की बसपा प्रत्याशी किरण केसरी ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोली 15 लाख देने का वादा, 5 किलो चावल पर आकर ठहर गया। गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और जी कंपनी के खिलाफ दर्ज किया केस। नोएडा विधानसभा चुनाव पर झारखंड की नजर, प्रचार में पहुंचे धनबाद और डाल्टेनगंज के भाजपा पद। मतदान से 2 दिन पहले भाजपा प्रत्याशी के काफिले में चल रही पहले चरण की 58 सीटों पर थमेगा चुनाव प्रचार, मैदान में 623 उम्मीदवार। अखिलेश यादव का आरोप, बोले भाजपा कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे कुछ अफसर। जम्मू कश्मीर का आतंकी लखनऊ में गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। गलवान घाटी संघर्ष में घायल सैनिक को मशाल वाहक बनाने पर चीन ने दी सफाई, भारत ने जताया था विरोध। मानवीय संगठनों की आड़ में आतंकी समूह कर रहे अपना काम, यूएनएससी में तिरुमूर्ति ने किया अलर्ट। विंटर ओलंपिक के मशाल वाहक विवाद पर चीन ने दी बेतुकी दलील। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों के लिए 21 से खुलेगी ऑस्ट्रेलिया की सीमाएं। डोनाल्ड ट्रंप के रिसॉर्ट में मिले किंग जोंग उन के लेटर, अनुचित तरीके से व्हाइट हाउस से हटाए। आरसीबी ने आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी के ऑलराउंडर जेसन होल्ट को खरीदने के लिए रिजर्व रखे हैं 12 करोड़ रुपए। रणजी ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या, बड़ौदा की टीम हुई घोषित। विराट कोहली का बड़ा खुलासा, फ्रेंचाइजी ऑक्शन में नाम देने के लिए कई बार कर चुकी है संपर्क। सेनेगल ने 65 साल में पहली बार जीता अफ्रीकन कप, चैंपियन मिस्र को 4-2 से हराया। टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किए गए डैनियल सैम्स। कपिल शर्मा से नाराज है अक्षय कुमार, शो पर बच्चन पांडे के प्रमोशन से कर दिया इनकार। महाभारत फेम प्रवीण कुमार ने ली अंतिम सांस, आर्थिक तंगी से थे परेशान। शाहरुख खान के सपोर्ट में उतरी उर्मिला मारतोड़कर, बोली राजनीति अब इतने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है।
बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट नेहा भसीम को हुआ कोरोना, कहा 48 घंटे से तेज बुखार है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने पर ट्रोल हुई ऐश्वर्या राय, यूजर्स बोले बहुत जल्दी याद आ गया। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।